हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स. टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज सम एंड डिफरेंस रूल. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know what is the sum and difference rule. आज का ये video देखने के बाद आप सभी को sum और difference rule क्या होता है derivative में और उससे related example किस तरह से solve किए जाते हैं ये अच्छे से समझ में आने लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. तो आज के वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीख रहे हैं. तो इसके लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव क्या होता है ये देखा है और लीस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव देखा है. इसका मतलब कि फॉर्मूले सारे डेरिवेटिव के हमने फाइंड आउट किए हैं, देखे हैं कि क्या होते हैं. मैंने उस लेक्चर में भी आप सभी से कहा था कि अगर आप लोग को आगे के लेक्चर समझना है तो उसके लिए आप सभी को क्या पता होना चाहिए, आप सभी को उसके लिए सारे स्टैंडर्ड लिस्ट पता होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं ये सब लेक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं. क्योंकि हम उन स्टैंडर्ड लिस्ट का ही यूज़ करते हुए क्या करने वाले हैं, हम आगे के सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं. हमारा आगे का पूरा टॉपिक डेरिवेटिव का किस पर डिपेंड करता है, लीस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पर. ओके, तो आप सभी पहले एक बार उसे फिर से रिवाइज करिएगा ये वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आगे मैं किस तरह से आप लोग को ये एग्जाम्पल समझा रही हूँ यह आप लोग देखिएगा. ओके, जिससे कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा. ये एग्जाम्पल देखते समय आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी लिस्ट है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की उसे सबसे पहले अपने सामने में रखेंगे और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में क्या मिलेंगी, थोड़ा सा आप लोग को बहुत ही इजी जाएगा. ओके, तो देखिए क्या दिया है हमारे पास एग्जाम्पल. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y equal to x raised to the power n plus e raised to the power x plus a raised to the power x. ओके, तो हम इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो ध्यान देंगे, ठीक है, dy by dx का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव. आपको किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, कौन से फंक्शन का, y वाले फंक्शन का. ओके, तो यहाँ पर देखिए y लिखा है dy by dx, ये जो डिनोमिनेटर में x रहता है इसका मतलब क्या होता है, हम ये y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ओके, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, गिवन है, एक गिवन इफ, यदि अगर y ये है तो क्या है y हमारा, x रेज़ टू द पावर n प्लस e raised to the power x plus a raised to the power x. ये y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. ओके, अब आप लोग को क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, dy by dx फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. तो क्या करना पड़ता है, इसे इसे करना पड़ता है डिफरेंशिएट. क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या कौन सा वेरिएबल है, x है. ओके, तो x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. ओके, तो हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो ये जो हम सेंटेंस लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, d बाय dx किसे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है? वाई। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे? वाई। ओके, ये जो सेंटेंस हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली डी बाय डी एक्स। ओके, अब राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखे हैं उन्हें भी आप लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, इसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप सभी ध्यान देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में तो डी वाई बाय डी एक्स ही रहेगा, एक ही टर्म है। ओके, तो हमने जैसे का वैसा यहाँ पर लिख दिया। लेकिन राइट हैंड साइड में आपके पास तीन टर्म है और उनके बीच में प्लस का साइन है। तो इसके लिए मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ाया है? सम ऑफ अ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ सम, ये वाला टॉपिक हमने वहाँ पर कवर किया है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ सम, तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ सम का मतलब क्या है? अगर कोई भी कितने भी टर्म दिए हो उनके बीच में प्लस का साइन हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको हर एक टर्म को डी बाई डी एक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। इसका मतलब कि डी बाई डी एक्स हर एक टर्म को देना है। ओके, देखिए किस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स। क्या कर दिया हमने? हमने तीनों टर्म को डी बाई डी एक्स प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, जो मैंने आप लोग को लीस्ट प्रोवाइड की है उसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन ये वाला डेरिवेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते समय आप उन सबको क्या करेंगे? सामने रख के बैठ के इस वीडियो को देखेंगे। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाता है एन टाइम एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हमने कहाँ से देख के लिखा है? से लीस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से। प्लस का साइन जैसे का वैसा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म ही होता है। ओके, फिर से प्लस का साइन जैसे का वैसा। डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स क्या हो जाता है? ए का मतलब क्या है? कांस्टेंट, कोई भी नंबर भी हो सकता है या फिर अल्फाबेट भी हो सकता है। इसका डेरिवेटिव हो जाता है ए रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्या हो जाता है? ए रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया? डी वाई बाय डी एक्स। देखा आप सभी ने कितना इजी है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करना है और उसके लिए आपको सबसे पहले लीस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मींस की फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के लर्न रहना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10 रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर x। ओके, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया है बिल्कुल उसी फॉर्म में है। ठीक है, थोड़ा सा बैक करके आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसके पहले वाले एग्जांपल में यहाँ पर पावर में क्या लिखा था? n, x टू द पावर n। n का मतलब क्या होता है? कोई भी रियल नंबर। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जहाँ पर मैंने आप लोग को लिस्ट लिखाया है वहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करके आप लोग को बताया भी है। ओके, तो उसी तरह से इस एग्जांपल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह हो जाएगा। गिवन, क्या गिवन है? y इक्वल टू x टू द पावर 10 प्लस 10 रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर x। ये पहले से
फंक्शन हमको दिया हुआ है और इस फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करके dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके तो हम क्या करते हैं, इसे अब डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, पूरा ना लिख के हमने विथ के लिए w लिख दिया, रिस्पेक्ट के लिए r लिख दिया. ओके इसका मतलब क्या होता है, डी बाय डी एक्स यहाँ पर क्या वेरिएबल है, y, इक्वल टू का साइन जैसे का वैसा. राइट हैंड साइड में भी डिफ्रेंशिएट करना है तो डी बाय डी एक्स यहाँ पर क्या टर्म है, x टू द पावर 10 प्लस 10 रेस टू द पावर x प्लस e रेस टू द पावर x. कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, तीन, उनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का. तो क्या करना है, सभी टर्म को d बाय डी एक्स सेपरेटली प्रोवाइड करना है डेरिवेटिव ऑफ सम के अकॉर्डिंगली, अभी मैंने बताया. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो dy बाय डी एक्स है वह जैसे का वैसा. ओके तो हमने पहले टर्म को d बाय डी एक्स प्रोवाइड किया, प्लस का साइन d बाय डी एक्स हम दूसरे टर्म को प्रोवाइड करेंगे, प्लस का साइन और फिर से हम d बाय डी एक्स थर्ड टर्म को भी प्रोवाइड करेंगे. ओके अब आप सबको थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से ध्यान देना है. ठीक है तो देखिए पहला जो डेरिवेटिव है क्या लिखा है, d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर 10. आप लोग की लिस्ट में d बाय डी एक्स ऑफ x का पावर 10 ये आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके पास क्या दिया हुआ है, d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n. और ये जो n है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है, n मीन्स क्या है, एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर वहाँ पर आ सकता है. तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम x टू द पावर n माइनस 1 होता है. ओके तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, 10. तो आप लोग यहाँ पर n की जगह पर क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पर n की जगह पर लिखना है 10. ठीक है तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर 10 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या होने वाला है, n की जगह क्या आएगा, फिर से 10, x जैसे का वैसा, n की जगह फिर से क्या आएगा 10, माइनस 1 भी जैसे का वैसा. तो इक्वल टू 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 9. समझ में आया सभी को, क्या करना है, डेरिविटिव ऑफ x रेस टू द पावर 10 ये हमारे लिस्ट में नहीं है. 10 का मतलब क्या है, कोई भी ये नंबर है, तो n ये जो है पावर में n ये क्या है, कोई भी नंबर है. तो बहुत ध्यान से लिखेंगे, बेस में क्या है, वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल, तो यहाँ पर भी बेस में वेरिएबल और पावर में रियल नंबर. ठीक है तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, अब सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं. अब ये जो सेकेंड वाला डेरिवेटिव है ये क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ 10 रेस टू द पावर x लिखा है. 10 कहाँ है, अब बेस में है, और वेरिएबल कहाँ है, पावर में. यहाँ पर बेस में वेरिएबल था, ये दोनों अलग अलग चीज है. ठीक है तो अब इसका भी डेरिवेटिव हमारी लिस्ट में नहीं है, तो इसके लिए आपको कौन सा डेरिवेटिव यूज करना है, 10 मतलब क्या, कोई भी नंबर या फिर कांस्टेंट कहते हैं उसे. तो d बाय डी एक्स ऑफ a रेस टू द पावर x, पावर में वेरिएबल वाले कौन सा डेरिवेटिव है, a रेस टू द पावर x वाला है और एक e रेस टू द पावर x वाला है. तो e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल टर्म, तो एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल टर्म ही आता है. लेकिन ये जो a है ये क्या है, ये है एक कांस्टेंट नंबर, इसके a की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है.
1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर या फिर क्या आ सकता है एक ही जगह पर, कोई भी अल्फाबेट ABCDEFG ऐसे कोई भी जो लेटर्स है अल्फाबेट्स है वह सब भी यहाँ पर क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। तो इनका डेरिवेटिव क्या है, ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है, ये हमारे लिस्ट में है। तो अब ए की जगह यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ 10 रेज टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 10 रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग 10। कैसे लिखा मैंने, ए की जगह सिर्फ 10 है, पावर का एक्स जैसे का वैसा, तो यहाँ पर सिर्फ ए की जगह पर क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स ही था, यहाँ पर भी वेरिएबल एक्स ही है, लॉग जैसे का वैसा और एक की जगह पर 10। तो इस तरह से हमें इसका भी डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू द पावर 10, क्या हो जाता है 10 टाइम एक्स रेस टू द पावर 9, ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10 रेस टू द पावर एक्स 10 रेस टू द पावर एक्स इंटू लॉग 10, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म ही आएगा, ओके, आया सभी को समझ में, ओके। तो आप लोग को इसे अच्छे से ध्यान से देखना है और क्या करना है, सभी फॉर्मूले की लिस्ट की प्रैक्टिस करना है, ओके। तो आप सबको इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है और इन्हें सॉल्व करना है, आंसर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आंसर्स को टैली करना है, ओके। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते समय आपको लिस्ट सामने रखना है, लिस्ट का यूज़ करते हुए, फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए इन्हें आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप इजीली, और फॉर्मूले इसके साथ साथ में आप लोग को याद भी होते जाना चाहिए, ओके। अवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।